खबर काला डूंगी से है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को खाई से रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जिसके बाद घायल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जो घटघट से पहले खाई में चली गई थी, 200 मीटर तक पब्लिक और पुलिस की सहायता से निकाला गया। दो व्यक्ति थे इसमें, एक विकास सिंह और एक महिला थी। दोनों सहारनपुर से दुकान का सामान लेकर आ रहे थे। दोनों नैनीताल के निवासी हैं।